नमस्कार एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सुपर फास्ट बुलेटिन की। भारत चीन विवाद पर ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश पर एक्सपर्ट्स ने उठाए सवाल। दोनों देशों की ओर से फिलहाल मामला शांत। ट्रंप के प्रस्ताव पर भारत और चीन ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। अमेरिका के उगैयूर मुसलमानों से जुड़ा बिल किया पारित। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा विधेयक। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका। फेक ट्वीट के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतरे मार्क जुकरबर्ग। मार्क ने दी ट्विटर को नसीहत। ट्रंप के दो ट्वीट के साथ में फैक्ट चेक रिपोर्ट चस्पा करने के लिए बताया गलता। खराब मौसम के कारण फिरा उम्मीदों पर पानी। नासा ने रोका ह्यूमन स्पेस मिशन। स्पेस एक्स के ऐतिहासिक लॉन्चिंग का समय 3 दिन बाद। पहली बार किसान इंसानों को ले जा रहा था निजी कंपनी का स्पेसक्राफ्ट। कोरोना महामारी के दौर में चीन ने नाप दिया माउंट एवरेस्ट। यात्राओं पर कई तरीके के प्रतिबंध के चलते चीन के शोधकर्ताओं की टीम ने किया कारनामा। चीन का 8 सदस्यीय सर्वेक्षण दल तिब्बत के रास्ते पहुंचा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 4 मीटर कम होने का किया दावा। चीन के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844.43 मीटर जबकि नेपाल ने नापी थी 8,848.13 मीटर ऊंचाई। एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी क्षति। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने निकाले 12,000 कर्मचारी। इस हफ्ते 6,770 कर्मचारियों को निकालेगी कंपनी तो वहीं 5,520 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का चुनाव किया। कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे आतंकी। 20 किलो एक्सप्लोजिव से भरी कार का पता लगाकर किया डिफ्यूज। पुलवामा पुलिस को एक हफ्ते से मिल रहे थे आतंकी हमले के इनपुट। जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मिलकर करना चाहते थे आत्मघाती हमला लेकिन पुलवामा पुलिस ने सीआरपीएफ आर्मी और एसओजी पार्टी के जरिए की घेराबंदी। WHO ने किया नए फाउंडेशन का ऐलान। महामारी से निपटने के लिए की जाएगी फंडिंग। बड़े देशों के साथ आम लोग भी कर सकेंगे मदद। WHO के डायरेक्टर ट्रेडोस ने की घोषणा। राष्ट्रव्यापी बंद के मुद्दे पर 3 जून को संसदीय स्थायी समिति की बैठक। केंद्रीय गृह सचिव देश में चल रहे बंद और इसके प्रभाव पर समिति को देंगे जानकारी। राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा के बाद समिति की ये पहली बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की कोरोना महामारी के बीच वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की समीक्षा। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की बैठक ऐसे समय पर हुई जब कोरोना वायरस महामारी और उसे रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था बुरे दौर में है। आरबीआई ने वर्ष 2020-2021 में भारत को जीडीपी में नकारात्मक वृद्धि दर का जाहिर किया था अनुमान। कांग्रेस के स्पीकअप इंडिया अभियान का आगाज। दिग्गजों ने अभियान के जरिए केंद्र सरकार को घेरा। पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर की केंद्र सरकार से मांग। गरीबों के खाते में डाले केंद्र सरकार 10,000 रुपए नकद। प्रवासी मजदूरों के पलायन के मसले पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। मोदी सरकार से मजदूरों के लिए खजाना खोलने की लगाई गुहार। हर परिवार को 6 महीने तक 7,500 रुपए प्रतिमाह देने की मांग। सोनिया गांधी ने कहा पिछले 2 महीने कोरोना वायरस के कारण पूरा देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आजादी के बाद पहली बार का दर्द सबने देखा। लाखों मजदूर नंगे पांव भूखे प्यास से हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने के लिए मजबूर। उनकी पीड़ा सृष्टि को देश के हर दिल ने सुना लेकिन शायद सरकार ने नहीं। स्पीकअप इंडिया अभियान के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने की केंद्र सरकार से 4 मांग। वीडियो संदेश जारी कर पहले देश की जनता से किया आह्वान। कहा भारतीय के लिए एक स्वर में साथ खड़े रहने का समय और बात करने का समय। राहुल गांधी ने कहा अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हमारे भाई और बहनों के लिए ये समय है जिनकी आवाज अभी खामोश कर दी गई है। निराश और भयभीत लोगों को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। हम सभी मिलकर कुछ अलग कर सकते हैं। स्पीकअप इंडिया अभियान के तहत राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने केंद्र से की अपील। सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए रखी मांग। गरीबों के खाते में केंद्र सरकार डाले 10,000 रुपए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर रखी अपनी बात। कहा आयकर की सीमा में नहीं आने वाले हर परिवार के खाते में केंद्र सरकार डाले 10,000 रुपए तो मनरेगा में रोजगार दिवस 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। स्पीकअप इंडिया अभियान के तहत चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर की अपील। केंद्र सरकार गरीब मजदूर और मध्यम व्यवसाय की करे मदद। श्रमिकों को घर तक पहुंचाने की करे व्यवस्था। मनरेगा में भी कार्य दिवस बढ़ाने की मांग।